देखो यार आराम से चेक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं कहता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। तो यार अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 बजे का, आप देख सकते हो यार आपके भाई ने वो घड़ी भी लगा ली है। ये मुझे आए थे भाई तकीर की तरफ से गिफ्ट, ठीक है, दराज से, क्योंकि आपके भाई ने मैट्रिक में थोड़े से बेहतर नंबर ले लिए थे भाई साहब। समझ रहे हो तो आपका भाई पढ़ाकू तो वैसे ही बचपन से बड़ा है, ठीक है ना, वो ऐसे झोल मेला लगाते रहता पढ़ाकू बहुत। तो आइंस्टाइन मुझसे बढ़ के गया, आप लोगों को नहीं पता, मैं ये बातें आप लोगों को बताता नहीं हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो मैं नहीं इतनी रिस्पेक्ट चाहता आप लोगों से, इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें नहीं बताता। आइंस्टाइन को मैंने पढ़ाया, तो न्यूटन का थर्ड लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो उसने मेरी वजह से निकाले हैं, तो गाली मुझे नहीं देना उसको, देना निकाले उसने, ये पढ़ाया बेशक मैंने। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और भाई ने मुझे ये गिफ्ट द्रास ऑर्डर किया था मेरे लिए, ये आ गए थे। ये गिफ्ट में एक ये वॉल क्लॉक शामिल थी, और साथ में एक ये आईफिल टावर, साथ में एक डेकोरेशन के लिए ये एक साइकिल थी है, और एक ये वुड मेड बोट है। इन सब गिफ्ट के लिए भाई का मेरे दिल की 1 सेंटीमीटर गहराई से बहुत बड़ा थैंक यू। अच्छा यार अभी आपका भाई कर रहा है स्टडी, क्योंकि स्टडी जरूरी है, स्टडी नहीं की तो मैं घर से निकाल दिया जाऊंगा, जो सीरियस बात है। अब बहन कहना पुत्र चक अपना बोरी पिसा दे तो जानदा हो जा। The next day. यार अभी आपका भाई जा रहा कॉलेज, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ कॉलेज से आकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार अभी मैं कॉलेज से आ गया, और मैंने अभी तक आप लोगों को एक चीज़ खाई नहीं यार, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, तो हमने रखा यार पैरेट्स, ये देखो यार आराम से चेक करो। वाओ ब्यूटीफुल। यार इन पैरेट्स में 2 पैरेट उसामा से लेके आया था भाई ताहिर, और 2 बाइके थे, और बाकी बच के 5 वो भाई लेके आए थे भावन नगर से। तो हमारे पास अभी 9 पैरेट्स हैं, तो देखो ये बच्चे शच्चे भी देते हैं कि नहीं देते, अभी तो मस्त माहौल में फिर रहे हैं यहाँ पे। तो घर शर इनके अच्छी तरह से हमने सेट कर दिए थे मैंने और भाई ने मिलकर, तो अभी कपड़ा भी लगाया हुआ आगे ताकि डिस्टर्ब ना हो, और मेरी वैसे कपड़ा उतर गया। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ स्टेडियम दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए, चलो यार चलते हैं स्टेडियम और थोड़ी सी क्रिकेट खेलते हैं। दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं, दूसरा बैठाते हैं और चलते हैं स्टेडियम की तरफ, लेट्स गो। जाना नहीं था एकदम, दोस्त का मैसेज आ गया कहता आज खेलते हैं, मैंने कहा कोई मसला नहीं चलते हैं फिर, तो फिर अभी चलते हैं स्टेडियम और जाके क्रिकेट खेलते हैं। यार अभी आपका भाई पहुंच गया स्टेडियम, ये आप देख सकते हो यार इधर हम खेलते हैं, और अभी मैं कर रहा हूँ अपने क्लास वालों का वेट, वो भी आने वाली होंगे, फिर इंशाल्लाह हम खेलेंगे क्रिकेट, बस वो जल्दी से आ जाएँ, ज़रा टाइम ना लगाएं, वैसे आ तो टाइम पर ही जाते हैं, आने वाले होंगे अभी भी, बस उन्हीं का इंतज़ार है मुझे। बहुत सोने रहने दो यार, मैंने आपको मशहूर कर देना, आपको नहीं पता इस बात का यार, इस बच्चे को हमने मशहूर करना है, तो देखें अब नहीं देखता, ये ज़रा शर्माने वाला दोस्त है हमारा, शर्माता बड़ा है, जैसे शर्म निकालनी है मैंने किसी दिन अच्छी तरह से निकालनी है। देख ले तू आज सी है मेरी, आज भी मैं तेरा यही आरज़ू जो अभी ना आते इसलिए रखा क्योंकि थोड़े जा रहा था सामने से, पानी लग गया आगे। हाँ तो यार हम यहाँ पे सिर्फ शुक्र मेले के लिए खेलते हैं, ना कोई स्कोर होता है, ना कोई बाउंड्री आउट होता है, कैच आउट बोल्ड जो ये 2 आउट होते हैं बस, 2 ओवर होते हैं प्लेयर के। अभी एक ओवर मैंने शुक्र करवा दिया, एक दूसरा दोस्त करवा रहा है, फिर आगे अगली की बारी, ऐसे 2 ओवर हैं शुक्र मेले के लिए, बस फुल शुक्र मेला। चलो ओवर कराओ बाल आ गई, ओवर करा देख गल सुन, मेरी गल तो सुन ला, चंगा जा ओवर कराना, चंगा जा आउट होवे तेरे ओवर च है, ठीक है ना, छक्का मारना चंगा जा इनू, ठीक है ना, याद रखे हमेशा कैच भी फड़ना, यार मैं मोबाइल पकड़ के बैठा,
यार अभी तक हम खेल ही रहे हैं तो अभी लग गया प्यास। ये स्टेडियम में वाटर कूलर भी है तो वहाँ से पी रहे हैं पानी ठंडा ठंडा। बड़ा मज़ा आता है यार खेल के, सीनी सीनी आ जाते हैं, बंदा फिजिकली थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। खेल के पानी पीते हैं, सबसे भी आ रहा है पीछे मेरे, देख सको जल्दी से आके पानी पीते हैं, वरना इसने कोई ना कहीं आ सकते हैं करनी है मेरे साथ, जल्दी से पानी पी लेते हैं। ये रहा कूलर, मेरा वाटर कूलर, पानी बड़ा चढ़ जाते हैं यहाँ पे। यार अभी क्रिकेट वगैरह खेल लिया है, अभी जा रहा हूँ वापस घर को, फिर मैंने बाज़ार भी जाना है काम करने, मुझे क्या काम है वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ इंशाल्लाह से। अभी निकालते हैं बाइक और चलते हैं घर, फ्रेश होते हैं, चलेंगे बाज़ार, जो अपना काम है उसको कम्प्लीट करेंगे। यार अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार, बाज़ार क्यों जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि कल है टीचर्स डे और कल मैंने कॉलेज भी जाना है, तो मैंने सोचा कि टीचर्स के लिए फ्लावर्स फ्लावर लेके आता हूँ, बाकी बच्चे भी कुछ लेके आएंगे टीचर्स के लिए, बाकी क्लास में कलेक्शन भी हुई थी उसके शायद केक शेक आ जाएगा ठीक है कल कॉलेज में, तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से कुछ टीचर्स के लिए फ्लावर लेके आता हूँ, सिंगल फ्लावर नहीं होते बुके नहीं बड़े वाला सिंगल फ्लावर, तो मैंने कहा जाके वो पकड़ लेता हूँ, तो अभी रात का टाइम है क्योंकि 7:30 हो रहे हैं, तो अभी चलते हैं बाजार फ्लावर पकड़ के ले आता हूँ, ला के फ्रिज में रख दूंगा सुबह ले जाऊँगा कॉलेज। और हाँ कल मैं कॉलेज मोबाइल भी लेके जाऊँगा, मोबाइल वैसे अलाउ नहीं है लेकिन एक टीचर से इजाज़त ली गई है, तो जाती हूँ मैं उन्हें अपना मोबाइल दे दूँगा, अगर कोई केक कटिंग या कोई थोड़ा बहुत ना शोल मेला हुआ तो वो मुझे मेरा मोबाइल दे देंगे और मैं थोड़ी सी वीडियो शीडियो रिकॉर्ड करके फिर उन्हें मोबाइल दे दूँगा और छुट्टी टाइम उनसे मोबाइल लेकर घर आ जाऊँगा। तो ये मेरी सबसे डील डन हुई है, मेरी नहीं बल्कि दो बच्चे और क्लास में उन्होंने जात लेके दी है, मैंने मोबाइल शुमाइल नहीं लेके जाना था, और अगर छुपाच फूक के तो आपके भाई ने ले ही जाना था, लेकिन खुलेआम नहीं लेके जाना था, कल आपका भाई खुलेआम लेके जाएगा कौन रोकेगा क्योंकि इजाज़त ली है। तो चलो यार अभी निकलते हैं बाजार की तरफ, पहनते अपना हेलमेट, आप लोग भी यार हेलमेट यूज़ किया करो, स्किन करो, बहुत इससे सेफ्टी होती है, इंसान ना कंफर्टेबल फील करता बाइक चलाते हुए ठीक है ना, उसके अंदर डर नहीं लगता, तो आप लोग भी इसको यूज़ किया करो, कुछ नहीं होता ठीक है ना, तुम्हारे बाल नहीं खराब होते, बेफिक्र हो जाओ, सेफ्टी जरूरी है कि तुम्हारे बाल जरूरी है। हाँ अच्छा तो अभी चलते हैं बाजार और बाजार से जाके फ्लावर्स वगैरह लेके आते हैं। तो यार ये फूल आपको भाई ने बाय करने हैं, इसमें मेरे भी हैं और मेरे क्लास वालों के भी हैं। यार अभी मैं बाजार से होके आ गया हूँ, बाजार से मैंने लिया शर्मा अपने लिए, एक लिया अम्मी के लिए और अहमद के लिए, और यार मैंने मोबाइल का कवर लेना था पर मैंने बहुत शॉप से पता किया, जैसा मुझे कवर चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, बहुत ही अजीब से फजूल से कवर थे, पर फिर मैंने वो नहीं लिए, फिर एक शर्मा ले लिया और जो फूल लेने थे वो ले लिए हैं, और मैं आ गया हूँ घर, अभी मैं देखूँगा शर्मा और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसी के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय अल्लाह हाफिज़। एक तो यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो खुदा की कसम, मुझे कोई 3 साल होने वाले हैं इसे यूट्यूब पर ठीक है, इसके बाद बाकी भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं यार जो अपना टाइम बहुत देते हैं यूट्यूब पर, उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं पूरे करने वाले, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ और मेरा एक भाई भी है ठीक है भाई माही, उनके चैनल का भी नाम है माही व्लॉग्स, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे अच्छे यूरोप के व्लॉग्स बनाते हैं। खैर कहने का मकसद यह है कि यार सपोर्ट किया करो बंदों को ठीक है, जैसे हम हैं और भी कहीं ऐसे यूट्यूबर होंगे जो कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, एट द लास्ट यार आप सपोर्ट किया करो, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर है ना वाली सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं बन सकता कोई भी, तो यार लाजमी सपोर्ट किया करो यार, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती तो सजेशन दिया करो कि यार भाई आप कुछ इस तरह से ट्राई करो, हम कुछ इस तरह से देखना चाहते हैं ठीक है। एक कोई भी यूट्यूबर होता है ना यार वो सोच समझ के वीडियो बनाता है और सोच समझ के अपलोड करता है ठीक है ना, वो यही चाहता है कि उसके अच्छे व्यूज़ हैं और उसी टॉपिक की वीडियो बनाए जो लोग पसंद करें, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो यार आप लोग सजेस्ट किया करो कि यार भाई आप ऐसा व्लॉग बनाओ हमें पसंद आएगा, तो यार हमें मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसका नाम है माही व्लॉग्स ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़। पहले इंसान बिके फिर यहाँ ईमान बिके, कागज़ पर मैंने पूरी इंडस्ट्री के दाम लिखे।